सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई अपडेट में। जी हाँ, फाइनली काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के पोषण ट्रैकर ऐप में एक नया अपडेट देखने को मिलेगा, जिस अपडेट का नाम है 18.2। यानी इस अपडेट का जो वर्जन है 18.2 के रूप में आया हुआ है, जिसमें कि आप लोगों के लिए पांच बदलाव किए गए हैं। पांच महत्वपूर्ण बदलाव क्या है और कैसे हैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप सभी से एक ही अनुरोध रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे पोषण ट्रैकर। पोषण ट्रैकर लिख के जैसे ही सर्च करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि जो पिछला अपडेट था, आप लोगों को जनवरी में 24 तारीख को 18.1 का अपडेट आया था, उसके बाद कोई अपडेट आप लोगों को देखने को नहीं मिला था। और फरवरी माह में फाइनली एक नया अपडेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर डेट देख सकते हैं 15 फरवरी 2023 का ये नया अपडेट है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा अपडेट आया है। सबसे पहले हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला अपडेट आप लोगों को बता रहा है, एडेड न्यू मेनू टू मार्क बेनिफिशियरी एज डिसीज। यानी कि एक नया मेनू को ऐड किया गया है, उसको आप लोग मार्क कर सकते हैं कि जो लाभार्थी है उसका मृत्यु हुआ है या नहीं हुआ है, उसको आप लोग वहाँ से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा अपडेट है यहाँ पे, अपडेट VHSND एंड CBE फॉर्म्स। यानी कि जो VHSND और CBE वाला फॉर्म है उसमें भी अपडेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और तीसरा जो अपडेट है, AWC इंफ्रा फॉर्म अपडेट, यानी कि आप लोगों का AWC जो कैटेगरी है उसमें भी अपडेट आया है। और दो अपडेट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, माइनर बग फिक्स और ऐप ऑप्टिमाइजेशन। ये अपडेट आप लोग काफ़ी दिनों से देखते आ रहे हैं, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये जो अपडेट है, इसमें अगर कुछ काम नहीं होता है या कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है छोटी मोटी, उसको ठीक किया जाता है। ये दोनों अपडेट आप लोगों के लिए उतना खास नहीं है, लेकिन ये जो तीन अपडेट है, उस तीनों अपडेट आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। तो चलिए पोषण ट्रैकर ऐप को हम लोग अपडेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार का ये अपडेट आया हुआ है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे वर्जन देखेंगे, 18.2 का ये न्यू वर्जन आ चुका है। चलिए हम लोग फटाफट से इसको अपडेट कर लेते हैं। आप लोग भी अपने पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट कर लीजिएगा प्ले स्टोर में आके। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपली इस प्रकार से इसको अपडेट कर लेते हैं। वीडियो में अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूलें। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पोषण ट्रैकर ऐप अपडेट होके आ चुका है। सिंपली हम लोग यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम लोग फर्स्ट में चलेंगे, जो फर्स्ट अपडेट आया है आप लोगों का, एक न्यू मेनू जो बेनिफिशरी डिसीज के बारे में है। जैसे कि यहाँ पर किसी भी लाभार्थी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन आप लोगों के लिए एक नया मेनू बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम गर्भवती महिला वाली कैटेगरी पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे किसी एक लाभार्थी के 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे में देख सकते हैं कि एक ऑप्शन को ऐड किया गया है, जहाँ पे लिखा गया है बेनिफिशियरी डेड। ये ऑप्शन आप लोगों को हर एक कैटेगरी में देखने को मिलेगा, चाहे वो गर्भवती महिला हो, धात्री महिला हो या किसी भी प्रकार के बच्चे हो, उन सभी के कैटेगरी में ये बेनिफिशियरी डेड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस ऑप्शन को यूज़ कब करना है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी कारणवश किसी भी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में आप लोग यहां पे दर्शाएंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप में हमने जिस लाभार्थी को ऐड किया है उसका यहां पे मृत्यु हो चुका है, तो इस ऑप्शन को आप लोग उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही किसी को डिलीट वगैरह करने के लिए आप इस ऑप्शन को यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे अपडेट की ओर। जैसे कि दूसरा जो अपडेट है वो मोर वाले कैटेगरी में देखने को मिलेगा। मोर वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे घटनाएं वाला ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इवेंट भी लिखा हुआ आएगा इंग्लिश में, तो आप लोग इसी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो जो कैटेगरी है, CBE और VHSND, इन दोनों में आप लोगों को एक अपडेट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे VHSND वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में जो VHSND कार्यक्रम था वो 3/2/2023 को कम्प्लीट हो चुका है, जिसके वजह से यहाँ पर हमें वो ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है जो अपडेट में आया हुआ है। यहाँ पर अपडेट में ये आया हुआ है कि आप लोग यहां पे अपना VHSND का तारीख डालेंगे और यहां पे सबमिट करेंगे, उसके बाद यहां पे कितने लोग उपस्थित थे उस कार्यक्रम में, 20 लोग उपस्थित थे, 25 लोग उपस्थित थे, जितने भी लोग उपस्थित थे उस कार्यक्रम में, तो उसका संख्या आपको यहां पे दर्ज कर देनी है। ठीक है, उसके बाद यहां पे नीचे में एक और बॉक्स बन के आएगा जिसमें पूछेगा AWW वर्कर
प्रेजेंट ऑन VHSND, तो आपको वहाँ पे यस और नो का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको वहाँ पे यस का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। ठीक है, हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने पहले ही जो VHSND कार्यक्रम है उसको कंप्लीट कर लिया है, जिसके वजह से हमारे पोषण ट्रैकर ऐप में ये जो न्यू अपडेट है वो देखने को नहीं मिल रहा है। जिन्होंने भी इस कार्यक्रम की एंट्री नहीं की है उनके पोषण ट्रैकर ऐप में इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर चलते हैं CBE कार्यक्रम वाले में। तो CBE कार्यक्रम वाले में जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपने इस मंथ जो कार्यक्रम किया है CBE उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे घटना की तारीख डालेंगे, जैसे कि किस दिन आपने जो ये कार्यक्रम किया, कौन सा कार्यक्रम किया, तो यहाँ पे आप लोग 7 तारीख का डेट डालेंगे, गुदभराई दिवस, और यहाँ पे गुदभराई दिवस की एंट्री आप लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चुने वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वो थीम सेलेक्ट करेंगे जिस थीम को आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सुरक्षित करने वाले पे क्लिक कर देंगे। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया, यानी कि जो CBE कार्यक्रम है उसमें कोई अपडेट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। जो जिस तरह से आप लोग पहले CBE कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे एंट्री करते हैं, उसी प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद चलिए चलते हैं तीसरे अपडेट की ओर। जो तीसरा अपडेट था वो यहाँ पे AWC इंफ्रा को अपडेट के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे मोर वाले पे क्लिक करेंगे। मोर वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे AWC इंफ्रा वाले ऑप्शन में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपसे अलाउ का ऑप्शन मांगेगा, आप लोग यहाँ पे अलाउ कर दीजिएगा और यहाँ पे AWC इंफ्रा इस प्रकार से खोलेंगे। अगर आपने कुछ भी यहाँ पे अपडेट वगैरह नहीं किया है तो आप लोगों को यहाँ पे अपडेट कर लेना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये 3 अपडेट आए हैं, और जो 2 अपडेट आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में आते हैं, तीसरी और चौथी अपडेट है जैसे कि माइनर बग फिक्सेस, ऐप ऑप्टिमाइजेशन। तो पोषण ट्रैकर ऐप में जो छोटी मोटी कमियां होती है उसको यहाँ पे फिक्स किया जाता है, बाकी इसमें और कोई अपडेट नहीं है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पोषण ट्रैकर ऐप से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।